नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार और अभी मैं हजारीबाग के संघ कार्यालय में हूँ। पिछला जो लहर बीता है कोरोना का, उसमें संघ ने हजारीबाग से एक कार्य की शुरुआत की थी, जिसमें जो लोग हैं घरों में, जो अकेले सारे लोग बीमार जिन घर में थे और जहाँ भोजन की बड़ी मुश्किल थी, वहाँ पे संघ ने बहुत बेहतर कार्य किया था और उनके घरों तक भोजन के पैकेट पहुँचाए थे। तीसरे लहर की तैयारी को लेकर आखिर कितना तैयार है आरएसएस और क्या संघ जो है हजारीबाग में क्या कर रहा है, कैसे करेगा, इसी पर एक चर्चा है। क्या क्या होगा, क्या तैयारी है, परिचय देना। राजीव कमल बिट्टू नाम है, संघ के प्रांत के संपर्क प्रमुख का दायित्व है और अपना एक ट्रस्ट चलता है जिसके माध्यम से सेवा कार्य चल रहा है, उसमें कोषाध्यक्ष का दायित्व है। मूलतः संघ, आपने ठीक ही कहा कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण में संघ ने एक काम किया है, समाज को जागरण करने का काम किया है। तीसरे चरण में क्योंकि बच्चों में अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, इस नाते बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके बीच में काउंसलिंग का काम, उनको जागरूक करने का काम, किस प्रकार के पौष्टिक आहार उनको दिए जाएँ, किस प्रकार से उनके घर में रख रखाव रखा जाए, कौन सी आवश्यक दवाएं हैं, इनके लिए संघ एक सकारात्मक रूप से काम कर रहा है। उन घर के जो गार्जियंस हैं उनको काउंसलिंग का काम, डॉक्टरों से के बीच में जाकर डॉक्टरों से उनका बातचीत कराना, उनके जो ऐसे प्रश्न हैं उनके प्रश्नों का जवाब देने का काम कर रहा है। साथ ही साथ संघ प्रत्येक खंड में, प्रत्येक जिसको ब्लॉक स्तर पे, एक आइसोलेशन सेंटर खोलना है, क्योंकि ऐसे जो शहर हैं, कस्बे हैं, जैसे छोटे घर होते हैं, बच्चे अगर प्रभावित होंगे तो दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, तो आइसोलेशन सेंटर खोलने का काम, और महिलाओं को खास करके एक ट्रेनिंग की, बच्चों को ऐसी अवस्था में कैसे संभाल के रखें कि घर के भीतर रखें, खेल के माध्यम से उनका एक्सरसाइज हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो, इसके लिए संघ प्रयासरत है। यहाँ पे जो भोजन की व्यवस्था पिछली बार हुई थी और ऑक्सीजन को लेकर बड़ा मारामारी हुआ था, कई बेड ऐसे नहीं थे जो जिनमें वेंटिलेटर की सुविधा थी, तो क्या इन सब चीज़ों के लिए भी कुछ हो रहा है? हाँ, संघ ने अभी 7 स्थान पे झारखंड में उनको वेंटिलेटर दिया है। ऐसे अस्पताल जो कोविड में सेवा का काम किए हैं और लोगों के बीच में उनकी एक पहचान है, ऐसे 7 अस्पतालों को दिया है। जो आपके जो हजारीबाग जिला में है, हजारीबाग जिला में बंदरा नर्सिंग होम है, उसको वेंटिलेटर दिया है। सीपैक की व्यवस्था की गई है, कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था की गई है, पल्स नापने का जो मशीन है, पल्स मीटर, उसकी व्यवस्था की गई है और उसके माध्यम से काम चल रहा है। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी जो पिछली बार चली थी उस तरह? हाँ, वो तो चलेगा, जनता का सहयोग मिलेगा, समाज के सहयोग के साथ उस वो काम चलेंगे। तो देखिए, जिस तरह से पिछली बार भोजन की व्यवस्था थी वो तो रहेगी ही, साथ ही साथ बाकी जो चीज़ें हैं, इस बार कई जगह जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं उसकी भी व्यवस्था हो रही है, और जो जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो, साथ ही साथ ब्लॉक स्तर पे आइसोलेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। तो एक बड़ा कार्य है और हजारीबाग में इसकी पहल हो चुकी है। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।